Good morning everyone, 6th class. Today is 18th May 2021 और day है Tuesday. आज से हम एक नया chapter start करने वाले हैं, chapter number 3, playing with numbers. Number के साथ जो वो हम लोग यहाँ पे play करेंगे, खेलेंगे, ठीक है? तो चलिए start करते हैं, introduction में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Hermes has, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा row और column के बारे में बता दूँ. देखिए row होती है जैसे horizontal, जैसे ये जो वो मैं row लगा रहा हूँ, ठीक है. अगर मैं ऐसे लाइंस लगाता हूँ नीचे को वर्टिकली, तो इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है. अब मान लो मेरे पास जो वो ऐसे जो वो एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे टू जो वो इस साइड को है, मतलब कि दो रो है यहाँ पे, ठीक है, दो रो है और हमारे पास जो वो यहाँ पे कितने बॉक्स है, फोर बॉक्स है, ठीक है. यहाँ पे दो रो है और नीचे को दो कॉलम है, ठीक है, टू और टू, दो रो दो कॉलम. इसका मतलब है कि अगर हम लोग जो वो इसको काउंट करें कि कितने बॉक्सेज है, तो टू मल्टीप्लाई बाई टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा. मतलब कि रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज हमारे पास निकल जाते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वो एक रो, दूसरी, तीसरी, तीन रो है और नीचे को वन और टू, मतलब कि तीन रो है और दो कॉलम है. रो है थ्री, मल्टीप्लाई कॉलम है टू, थ्री टू जा सिक्स, टोटल होने चाहिए यहाँ पे सिक्स. तो आप देख सकते हैं सिक्स ही है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है. नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं. देखिए ए वन रो, सेकंड रो, रो मैंने बोला आपको कि हॉरिजेंटल होगी और कॉलम जो वो नीचे की तरफ होंगे, वन टू थ्री, मतलब कि टू रो और थ्री कॉलम, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स होने चाहिए टोटल यहाँ पे, डॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो वो अपने रो और कॉलम के साथ जो वो ऐसे करना है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल की. एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मैरी वांट टू फाइंड, अच्छा इसको भी छोड़िए, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, अगर मैं 15 को बोलूं कि ये जो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 15 आता है. अगर मैं बोलूं कि ये जो 3 और 5 है, ये जो वो क्या है, 15 के क्या है, फैक्टर है. मतलब कि 15 के फैक्टर क्यों हैं, क्योंकि 3 को भी अगर मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 आ जाएगा, 5 के साथ करेंगे. अच्छा 5 को अगर मैं 3 के साथ करता हूँ तो 15 आ जाएगा. मतलब कि एक ऐसे नंबर है जिनका, जिनके मल्टीपल्स में, ठीक है, ये जो 3 और 5 है, ये एक ऐसे नंबर है जिनके मल्टीपल्स में, मल्टीपल हुए जैसे 3 का टेबल, 5 का टेबल, ये सारे जो मल्टीपल होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 फिर जैसे 18 भी है, 24 भी है, जैसे 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये सारे जो वो इसके जो मल्टीपल हैं, इसके मल्टीपल में 15 आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये है सीधा सा, ठीक है. तो 3 और 5 क्या है, 15 के फैक्टर हुए, ठीक है, 15 के फैक्टर हुए. और अगर मैं बोलूं कि 15 जो वो 3 और 5 का क्या है, तो 15 जो वो 3 और 5 का मल्टीपल है. तो आप फैक्टर और मल्टीपल को समझ गए होंगे बहुत ही. देखिए यहाँ पे एक और जो वो मैं बता देता हूँ कैसे जो आपने फैक्टर और मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं. जैसे मैं लिख रहा हूँ 15, चलिए 15 के निकाल लेते हैं. तो 15 जो वो ऐसे फैक्टर मैंने निकालने हैं जिनके टेबल में 15 आता है. अब देखिए सबसे पहला जो भी फैक्टर है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 जो वो सबका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा. तो 1 को 15 के साथ करेंगे, 1 को 15 के साथ करेंगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है तो 15 आ जाएगा. अब देखिए 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 के टेबल में तो नहीं आता है, मतलब कि 2 जो वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता. 2 अगर इसका फैक्टर नहीं हो सकता तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो वो 3 है. अगर मैं 3 से, 3 से किसको करूं, 3 के टेबल में देखिए आता है कि नहीं आता है. 3 को अगर मैं 5 से करूं, 3 5 जा 15, मतलब कि 3 भी इसका जो वो फैक्टर हुआ. और 3 के साथ हमें पता चल गया कि यहाँ पे 5 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 5 को 3 से करने पर भी जो है वो 15 आता है. अब देखिए नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर या होल नंबर जब वो 4 है, तो 4 के टेबल में तो 15 नहीं आएगा, 4 के टेबल में तो 15 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा. तो 5 जब वो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको स्टॉप करिए यहाँ पे. अब देखिए फैक्टर जो वो कैसे आपने लिखने हैं, फैक्टर ऐसे लिखने हैं जैसे 1 हो गया, जैसे 1 3 और 5 15, ये जो वो चारों जो वो इसके फैक्टर हो गए, 1 3 5 15, 1 3 5 15, ये ऐसे नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर,
जिनके ही मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर से जो वो 15 आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 1 को 15 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे तब भी 15 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तब आ जाएगा, 15 को 1 से करेंगे 15 आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं फैक्टर। और 15 क्या हुआ, मल्टीपल। देखिए मल्टीपल निकालना तो बहुत ईजी है, मल्टीपल निकालना तो बहुत ही ईजी है। जैसे आपको बोला जाए कि 3 के मल्टीपल निकालो, आपको बताए 3 के मल्टीपल मतलब कि 3 की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। 3 की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18 24 एस तो सॉरी 21 फिर 24। ठीक है, ऐसे जॉब वो ये सारे जॉब क्या है, 3 के मल्टीपल है। अगर आपके पास मल्टीपल बोले तो आपने समझ जाना है कि 3 का टेबल ही आगे की ओर चलेगा। ठीक है, तो ये हो गए मल्टीपल और फैक्टर, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। फैक्टर में फिर से जो वो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी, तो फिर से मैं एक बार बता दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, तो वो क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं उस नंबर के। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए जो वो इतना काफी है। तो एक्सरसाइज 3.1 है, प्लेइंग विद नंबर, क्लास 6 चैप्टर 3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो देखिए जो आपने कैसे जो वो इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो वैसे इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो वो बता दूं कि कैसे जो आपने करना है। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो है 24। तो ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि अगर आपको फैक्टर या मल्टीपल का पता नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज में आगे नहीं चल पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 2.1 भी समझ नहीं आएगी तो 2.2 भी नहीं आएगी, 2.3 भी नहीं आएगी, सॉरी 3.1 या 3.2 जो वो आपको आगे की एक्सरसाइज जो वो समझ नहीं आने वाली अगर आपको ढंग से नहीं पता होगा। जस्ट 24 के निकालने हैं। अब हमें पता है कि 24 जो वो किस किस के टेबल में आता है वही तो फैक्टर होंगे, 24 जो वो किस किस के टेबल में आता है वही तो इसके फैक्टर होंगे। तो देखिए 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो 1 और 24 तो होंगे ही, सबसे पहला स्टेप 1 और 24 तो होंगे ही होंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 24 24, नेक्स्ट वाला क्या है 2 है, तो 2 के टेबल में भी आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 आता है। ठीक है, 2 भी हो गया। 3 से चेक करते हैं, 3 के टेबल में भी आता है तो 3 भी हो गया, 3 8 जा होता है, 3 8 जा 24। अब देखिए 4 के टेबल में, यस 4 के टेबल में भी आता है तो 4 6 जा जो वो कितना होता है 24 होता है। 5 के टेबल में देखिए, 5 के टेबल में 24 नहीं आ सकता क्योंकि 5 10 15 25 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो 24 नहीं आ रहा है। अब 5 नहीं आ रहा है तो 6 तो आ रहा है, 6 आ रहा है मतलब कि 6 तो हमने लिख लिया है, 6 4 जा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे रिपीट होने लग जाए, जैसे हम पता चल चुका है कि 6 जो वो सॉरी जैसे ही हमें पता चल रहा है कि 6 जो वो यहाँ पे, अच्छा बीच में कॉल आ रही है, चलिए कोई बात नहीं इसको, चलिए तो 4 6 जा कितना होता है 24 होता है। तो 4 6 जा 24, जैसे हमें पता चला कि 5 नहीं आएगा 6 आएगा, लेकिन 6 जो वो दोबारा हमने नहीं लिखना है क्योंकि 6 जो वो यहाँ पे देखिए आ चुका है। जैसे ही रिपीट हो जाए आपने इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, आपने सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे जो वो नीचे को लिखने हैं, फिर इस साइड को थोड़ा सा चलना है और ऊपर को आपने सभी नंबर लिखने हैं। कौन कौन से हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 एंड 24। ये सारे नंबर जो क्या है 24 के फैक्टर हुए, ये सारे नंबर जो क्या है 24 के फैक्टर हुए, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ऐसे आप निकालने हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन है, जैसे 23, अच्छा 23 को चेक करते हैं, 23 का कोई फैक्टर है कि नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाई 23, यस वेरी गुड 23 होगा। देखिए 1 और 23 जैसे कोई नंबर आए तो 1 और वो खुद वो तो इसके फैक्टर होंगे ही, 2 से नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, 4 से नहीं जाएगा, 5 6 7 किसी से भी नहीं जाता है क्योंकि 23 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं जो या तो खुद से जाए या तो 1 से जाए, तो खुद से चला गया 1 से चला गया। ठीक है, तो ये दो ही जो वो इसके फैक्टर होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे लास्ट वाला है 36, तो 36 के मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि 36 वाला आपने खुद ही करना है, इसको मैं आपको नहीं भेजने वाला हूँ, आपने ये खुद करना है। देखिए कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 36, वेरी गुड 36 होगा, ये तो सबसे पहले सभी में होगा ही। 2 से जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, यस ये भी 36 होगा। 3 से जाता है,
तो थ्री के टेबल में देखिए जाता है कि नहीं जाता है, तो थ्री के टेबल में भी जाता है। अच्छा, 12 3 जा कितना होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 12 3 जा होता है 36। अच्छा, 4 से जाता है कि नहीं जाता है, तो 4 से भी जाता है शायद, तो 4 9 जा होता है, ठीक है, 9 4 जा 36। फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में 6 से जाएगा, ठीक है, 6 6 जा होता है, 6 6 जा 36। अब देखिए 6 और 6 रिपीट हो गया, अब ऐसा नहीं है कि दो बार लिखना है, मैंने बोला था यहाँ से चलना है, तो एक ही बार लिखना है 6, जो वो दो बार आ चुका है, मतलब कि रिपीट भी हो चुका है, रिपीट हो गया, इसका मतलब है कि स्टॉप करो प्रोसेस को, पहले इनको लिखो 1 2 3 4 6, फिर जो वो यहाँ पे 9 12 18 36, ये जो वो सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने ऐसे जो भी इनको लिखना है, या तो जैसे मैंने नीचे को बताया वैसे आप लिखिए, वैसे जो वो ईजी रहता है, जैसे 1 24 यस, 2 12 यस, 3 8 4 6 6 4, ठीक है, ये सारे जो इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए 4 6 और 6 4, ये दो बार आ चुका है, दो बार आ गया तो इसको क्यों लिखना है फिर, ठीक है, तो ऐसे जो आपने सभी फैक्टर को लिखना है जैसे मैंने बताया वैसे आपने करना है। यहाँ पे एफ जी तक यहाँ पे जो वो सॉल्यूशन दिया है, नेक्स्ट वाले जो बच गए कौन कौन से बचे हैं, जी के बाद जो वो एच और आई, जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है, वो आपने खुद करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।